जम्मू कश्मीर के माछिल में शहीद हुए अमित शर्मा का पार्थिव देह 7 दिन के बाद जब सोमवार सुबह 10 बजे घर पहुंचा तो नौजवान और बुजुर्ग पूरा गांव रो पड़ा। गांव की गलियां जब तक सूरज चांद रहेगा अमित शर्मा तेरा नाम रहेगा जैसे जय घोषों से गूंज थी। शहीद अमित शर्मा की मां और बहन पार्थिव देह से लिपट कर फूट फूट कर रोई। इस दौरान माहौल गमगीन था और हर आंख नम थी। शहीद अमित शर्मा के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासनिक अधिकारी और सेना की टुकड़ी भी घर पर पहुंची, जिसके बाद पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। स्थानीय विधायक आशीष शर्मा, जिला प्रशासन की ओर से ADC जितेंद्र सांस्टा और सैन्य अधिकारियों ने अमित शर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर थल सेना की टुकड़ी ने उच्च सैन्य परंपराओं के अनुसार अमित शर्मा को अंतिम विदाई दी तथा उनके पिता विजय कुमार को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। इससे पहले सोमवार सुबह अमित शर्मा का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से गांव तलासी खुदर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े। अमित शर्मा भारतीय थल सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे। वे अभी अविवाहित थे। आपको बता दें कि मौसम खराब होने के चलते शहीद के पार्थिव देह को घर लाने में काफ़ी देरी हुई, जिस वजह से पिछले 7 दिनों से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माछिल में मौसम खराब होने की वजह से पार्थिव शरीर को बटालियन में रखा गया था। मौसम ठीक होते ही पार्थिव देह को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर लाया गया और वहां से चंडीगढ़ लाया गया। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग के जरिए शहीद के पार्थिव देह को उनके पैतृक गाँव लाया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 जवान शहीद हो गए थे। इनमें हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत धनेड के तहत तलासी खुदर गांव के अमित शर्मा भी शामिल थे। शहीद अमित शर्मा के पिता कभी खुद संभलते तो कभी पत्नी को हिम्मत बंधाते, कभी परिवार के हर सदस्य को ढांढस बंधाते रहे। दुख की इस घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए घर पर रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही। शहीद अमित के घर में 6 महीने पहले अमित के दादा की मौत हुई थी। 11 दिन पहले उनकी दादी भी चल बसी और अब अमित की मौत होने से परिवार टूट गया है। चले भाई चलिए पहले